सर किसी को कोई डाउट नहीं है? कल असाइनमेंट मिला था आप लोगों को? आप लोगों को कल असाइनमेंट मिला था? यस सर। आप लोगों ने असाइनमेंट सॉल्व करने की कोशिश किया? कोई डाउट आया उसमें? यस सर। है तो पूछिए ना बेटा। सर क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर वन वन, एक मिनट रुकिएगा। एक बार क्वेश्चन नंबर वन आप एक बार जरा सा पढ़ेंगे? व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? व्हाट इज ग्रेटर, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड ऑफ ए वॉच? ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर वन आपका इस प्रकार से था। क्वेश्चन नंबर वन आपका था, विच इज ग्रेटर, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड ऑफ अ वॉच और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। मतलब देखो, अर्थ भी अपने एक्सिस पे घूमता है, अर्थ भी अपने एक्सिस पे घूमता है। ये अर्थ है अगर मान लो, एंड दिस अर्थ रोटेट्स अबाउट इन इट्स ओन एक्सिस। तो अर्थ अगर घूमता है तो इसके अंदर भी एंगुलर वेलोसिटी होगी। देखो बेटा, जब भी घूमने वाली बात आ जाए, वेदर इट बी सर्कुलर मोशन, और ये अर्थ का जो मोशन है इसको हम सर्कुलर मोशन तो नहीं कहते, दिस इज कॉल्ड एज रोटेशन। तो अर्थ अगर अपने एक्सिस पे घूमता है, मतलब इफ इट रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो उस केस में भी अर्थ में भी एंगुलर वेलोसिटी होती है। और आपने शायद सुना भी होगा कि अर्थ रोटेट करता विद अ पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आपका जो आवर हैंड है, मान लीजिए क्लॉक है, क्लॉक है तो इसमें ये आवर हैंड होता है ना, छोटा सा आवर हैंड, छोटा सा नीडल जो होता है क्लॉक में लगा हुआ, तो वो आवर हैंड है। तो आवर हैंड का एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है या अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, विच ऑफ द टू इज ग्रेटर? तो पहली बात तो हम ये समझे कि अगर आवर हैंड को हम देखें तो यहां से हम शुरू करें, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां पर आता है, 7, 8, 9, 10, 11, यही तो होता है। इसका मतलब अगर आवर हैंड को एक बार पूरा घूमना है, पूरा घूमना है, तो आर हैंड को पूरा घूमने के लिए कितना टाइम चाहिए? व्हाट इज द टाइम टेकन बाय आवर हैंड टू रोटेट वंस कंप्लीटली? एक बार पूरा घूमने के लिए आर हैंड को कितना टाइम लगेगा? 12 घंटे, 24 घंटे में दो बार घूम जाता है भाई। ये घड़ी में कितना है, 12 आवर्स, मतलब घड़ी में, अच्छा पूरे दिन में दो बार 12 बजता है ना, एक बार दिन में और एक बार रात में, दो बार 12 बजता है ना। इसका मतलब आवर हैंड बेसिकली एक दिन में दो बार पूरा पूरा घूमता है, ठीक है? तो एक बार घूमने में कितना घंटा लगता है? 12 घंटे, ठीक है? इसका मतलब है कि द टाइम टेकन बाय द आवर हैंड टू रोटेट वंस इज 12 आवर, एक बार में 12 घंटे लगते हैं, ठीक है? तो एक बार में अगर 12 घंटे लगते हैं तो कितना एंगल ये घूमेगा? तो एंगल 360 डिग्री, और 360 डिग्री को हम रेडियन में कितना लिख सकते हैं? 2π, ठीक है? तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी इज थीटा बाय टाइम, तो दैट इज इक्वल टू 2π अपॉन टाइम। टाइम है 12 घंटे। आवर इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। हाँ एक मिनट, टाइम की जो एसआई यूनिट है वो सेकंड्स है। तो ये क्या लिखेंगे, 12 इंटू मिनट इंटू सेकंड्स, भाई सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए दो बार आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम मिनट्स, और फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो इट विल बिकम सेकंड्स। तो इसका मतलब ये वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, पाई बाय 21 इनटू 600 रेडियन पर सेकंड, सॉरी रेडियन पर सेकंड। दिस इज योर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ योर आर हैंड, ठीक है? इस एंगुलर वेलोसिटी को मान लो मैं ओमेगा 1 कह लेता हूं। अच्छा अगर मैं अर्थ के लिए बात करूं, अर्थ एक बार पूरा अर्थ घूमे, पूरा घूमने के लिए अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? व्हाट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन? एक बार
पूरा कितने देर में घूमता है अर्थ? 24 आवर्स. सर 24 आवर्स में घूमता है अर्थ? यस सर. मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? यस सर. हाँ, मैं ऑडिबल इसलिए नहीं हूँ कि मैंने अभी तक कुछ बोला नहीं था. अब मैं बोलूंगा. अब मेरी आवाज क्लियरली जा रही है सबको? यस सर. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे, ओके, बेसिकली जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्वेश्चन ये था कि आर हैंड को, आवर हैंड को एक बार घूमने में कितना टाइम लगता है. तो दैट इज 12 आवर्स फॉर आर हैंड. टाइम कितना होगा? 12 आवर होगा. और सर कितना घूमेगा एक बार में? 2 पाई रेडियन. तो एंगुलर वेलोसिटी, इफ आई राइट इट एज ओमेगा वन, अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी लिखता हूं तो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 12 आवर्स है. तो इसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है. 60 मल्टीप्लाइड बाय 60. पहली बार 60 से मल्टीप्लाइड किया तो मिनट में हो गया, फिर दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में हो जाएगा. तो 2 पाई डिवाइडेड बाय, अगर आप इसको सॉल्व करें तो दिस विल कम आउट टू बी 21600, ठीक है, रेडियन पर सेकंड. दिस इज द वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर हैंड. अगर मैं अर्थ के लिए बात करूं तो मुझे एक बात पता है कि अर्थ पूरा चक्कर, मतलब एक बार कंप्लीटली रोटेट करने में, फॉर अर्थ रोटेशन का जो टाइम है, टाइम इन विच अर्थ रोटेट्स वंस इज 24 आवर्स. टाइम कितना होगा? 24 घंटे में होता है ना भाई.
24 घंटे का मतलब एक दिन और एक रात 12-12 घंटे के मिला के 24 घंटे के इसीलिए होते हैं क्योंकि अर्थ को टोटल टाइम कितना लगता है 24 आवर्स, ठीक है। तो घूम के वापस वहीं जब पहुंचता है तो फिर से सुबह हो जाती है फिर से, है ना। तो 24 आवर्स इज द टाइम। तो इस केस में अगर आप एंगुलर वेलोसिटी देखोगे, और एक बात तो क्लियर है कि अर्थ भी अगर एक बार पूरा घूमा तो कितना घूमा, कितने एंगल घूम गया, अगर पूरा घूमा तो सर ऑब्वियस ही बात है कि कितना एंगल घूम गया, 2π डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, ठीक है। तो इसलिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाय 4320 रेडियन पर सेकंड। अब अगर आप कंपेयर करो, लेट मी कॉल दिस एज ओमेगा 2 एंड ओमेगा 1, अगर आप कंपेयर करो तो आपको दिखाई दे रहा है कि ओमेगा 1 ऑब्वियसली इज ग्रेटर देन ओमेगा 2, और वैसे भी होना चाहिए यार। यहां 12 घंटे लग रहे हैं तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है, यहां 24 घंटे लग रहे हैं तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो रिजल्ट छोटा हो जाएगा। इज इट क्लियर? और किसी को कोई डाउट? और कोई है कोई डाउट? सर 2π कैसे होगा ऊपर में? तो पाई ना होगा। हाँ वो पाई होगा, सॉरी। और किसी को कोई डाउट? कोई और बच्चा? नो सर। यस सर। सर एक डाउट एग्जांपलर का है। बताइए। हाँ सर, ये फॉर द वन डायमेंशनल मोशन डिस्क्राइब बाय एक्स इज इक्वल टू टी माइनस साइन टी। एक्स इज इक्वल टू टी माइनस ऑफ साइन ऑफ टी, ठीक है। हाँ डिस्क्राइब किया है, उसमें ऑप्शन दिया है एक्स टी ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल टाइम ग्रेटर देन जीरो, फर्स्ट ऑप्शन है। मतलब वो xt कहने का मतलब है कि पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब जो x जो आपकी पोजीशन है वो टाइम के साथ, मतलब आपको ऐसे ऑप्शन लिखा होगा x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t ग्रेटर देन जीरो, t ग्रेटर देन जीरो। अच्छा हाँ, ऐसे ही सेकंड ऑप्शन भी दिया हुआ है v फंक्शन ऑफ t ग्रेटर देन जीरो वी टी ग्रेटर देन जीरो के आगे क्या है बेटा? फॉर ऑल टी ग्रेटर देन, ठीक है आगे बोलो, व्हाट इज नेक्स्ट? और सर थर्ड ऑप्शन है एक्सेलरेशन AT, ये भी यही होगा। फोर्थ बोलो, VT lies between 0 and 2. VT lies between 0 and 2. Yes, sir. अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो ये पोजीशन की अगर मैं बात करूं, देखो पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं पोजीशन की बात करता हूं तो t की वैल्यू, सर रेशियो निकालना था, किसका रेशियो बेटा? सर जो डाउट पूछे थे मैं रेशियो था। हैं? जो लास्ट क्वेश्चन आपने पूछा था? यस सर। तो उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें आप रेशियो दोनों को डिवाइड कर दीजिए ना बच्चे। यस, है ना, डिवाइड कर दीजिए रेशियो निकल आएगा, ठीक है सर? यस सर। अच्छा अब जिसने ये पूछा वो सुने। यस सर। सर इसमें पहली बात तो ये बोला आपसे कि x इज ग्रेटर देन 0, मतलब पोजीशन के बारे में अगर मैं बात करूं। सर ये मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है, मतलब फॉर द वन डायमेंशनल मोशन मैं वही तो समझा रहा हूँ, फॉर अ वन डायमेंशनल मोशन, अगर आपके एक कोई एक डायमेंशनल मोशन है और उसमें आपको जो फंक्शन गिवन है x का, ये फंक्शन है, मतलब x का मतलब है पोजीशन, मतलब आपकी पोजीशन सिर्फ x एक्सिस के अलोंग चेंज हो रही है, ठीक है अलवीरा? Yes, sir. ठीक है, तो आपकी जो पोजीशन है वो x एक्सिस के अलोंग चेंज हो रही है, तो अगर आपकी पोजीशन x एक्सिस के अलोंग चेंज हो रही है तो आपसे सवाल ये पूछा है कि भाई आपकी जो पोजीशन है उसके साथ
क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स एज अ पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विल बी ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ टी ग्रेटर देन जीरो. मतलब अगर मैं टी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो ले लू, ग्रेटर देन जीरो, तो क्या इस केस में एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, वो ग्रेटर देन जीरो आएगी या लेस देन जीरो आएगी. मतलब इफ आई गो ऑन चेंजिंग द वैल्यू ऑफ टी, है ना, तो टी की वैल्यू को अगर मैं चेंज करूं तो उसके साथ क्या होगा, ठीक है, पोजीशन के साथ क्या होगा. तो मेरे को एक बात बताओ, और इसी तरह से फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी के बारे में बोला है, ठीक है, वेलोसिटी के बारे में बोला है, तो सबको हम वन बाय वन चेक करेंगे. क्या करेंगे, वन बाय वन करेंगे, ठीक है. तो वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे आप, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का क्या मतलब हुआ, पहले मैं वेलोसिटी को चेक कर लेता हूँ. dx by dt, तो dx by dt अगर आप करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो t का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ साइन t का डिफरेंशिएशन होगा cos t. मतलब आपकी जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस ऑफ cos t. मेरी बात समझ में आई, 1 माइनस ऑफ cos t. यस सर, क्लियर हो गया, 1 माइनस ऑफ cos t आ रहा है. अगर 1 माइनस ऑफ cos t आ रहा है, सिमिलरली एक्सेलरेशन, पहले मैं सारी वैल्यूज लिख लेता हूं. एक्सेलरेशन क्या होगा, dv / dt. अगर आप एक्सेलरेशन चेक करो तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ऑफ sin t. इसका मतलब अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस ऑफ sin t आएगा. क्या मेरी बात समझ में आई, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin का करा. Yes, इस बार जो डिफरेंशिएशन करेंगे वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये वेलोसिटी है, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0. Yes, sir. ठीक है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन टी. तो देखो माइनस ऑफ माइनस साइन टी हो जाएगा ना, ये भाई cos t का डिफरेंशिएशन, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी होता है, तो माइनस ऑफ माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, ये नहीं आ रही बात समझ में, क्या हुआ अलवीरा, ओके सर, ठीक है. अब यहां पर एक बात समझिए, आपको एक पॉइंट यहां पर समझना है, ठीक है, आपको एक पॉइंट समझना है. अगर आप एक्सेलरेशन के साथ देखो तो एक्सेलरेशन के साथ ये क्या साइन लगा हुआ है, प्लस का, है ना, एक्सेलरेशन के साथ कैसा साइन लगा हुआ है, प्लस का, और वन डायमेंशनल मोशन कहता है. वन डायमेंशनल मोशन का मतलब है कि आप सीधा जा रहे हो, और एक्सेलरेशन के साथ साइन जो लगा हुआ है वो प्लस का लगा हुआ है. तो अगर हम ध्यान से देखें तो बिकॉज एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो आपका पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, तो टी ग्रेटर देन जीरो, टी की वैल्यू अगर मैं जीरो से बड़ी रखू, t की वैल्यू जीरो से बड़ी रखना है, जीरो से छोटी तो नहीं रखना है, माइनस में नहीं रखना है, प्लस में रखना है ना, तो ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव में टाइम, तो इसका, हाँ, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, जब t हमेशा ग्रेटर देन जीरो, मतलब t हमेशा पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, ठीक है सर, तो एक्सेलरेशन विल बी ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल t ग्रेटर देन जीरो. पॉइंट समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल टी ग्रेटर देन जीरो. टी की वैल्यू आप कुछ भी पुट करते जाइए जीरो से बड़ी, तो एक्सेलरेशन आपका जो है वो कंटिन्यूअसली क्या आता जाएगा, पॉजिटिव आता जाएगा. समझ में आई बात, yes, कुछ तो हाँ बोलो, ठीक है. अच्छा, व्हाट विल हैपन टू द वेलोसिटी. अच्छा, एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन कभी भी निगेटिव नहीं हो रहा है. तो अगर एक्सेलरेशन कभी भी निगेटिव नहीं हो रहा है तो इसका दूसरा मतलब है कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विल आल्सो बी ऑलवेज पॉजिटिव. भाई एक्सेलरेशन कभी निगेटिव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि x विल आल्सो बी ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ t ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, चलो वेलोसिटी के साथ चेक करते हैं. इसका मतलब है कि x t भी ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल t ग्रेटर देन जीरो. व्हाट विल हैपन टू द वेलोसिटी पार्ट, ये नोट कर लिया आपने अलवीरा? यस सर, कर लिया सर. आपने यहाँ पे जैसे कि सब आपने vt और at को चेक करा और xt जो है हमने ऐसे ही पता कर लिया इन दोनों को, इन दोनों के थ्रू, है ना? ठीक है, यस सर, हो गया नोटेड. ठीक है, अब मेरी बात सुनो. यहाँ पर वेलोसिटी की जो वैल्यू आई है, हमारी जो इक्वेशन आई है सॉल्व करने पर, वो आई है 1 माइनस ऑफ cos t. वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ cos t आई है. अगर मान लो कि इफ cos t की वैल्यू, cos t की वैल्यू, cos ऑफ t की वैल्यू 1 हो तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा. सोच के देखो,
है ना, cos t की वैल्यू 1 तो हो ही सकती है, तो cos t की वैल्यू अगर 1 होगी तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, राइट right? इसका मतलब वेलोसिटी 0 तो हो रही है. अब अगर मान लो, कि इफ cos t की वैल्यू इज इक्वल टू -1, cos t की वैल्यू -1 भी होती है, हाँ. है ना, तो अगर -1 हो गया तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - -1, तो वेलोसिटी की वैल्यू 2 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी. और cos की वैल्यू है ना, cos की वैल्यू याद रखो 1 से लेके -1 से लेके 1 के बीच में ही लाई करती है, वैल्यू ऑफ cos -1 से लेके 1 के बीच में ही लाई करती है, ठीक है. मिनिमम वैल्यू -1 होती है, ये मिनिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम 1 होती है. इसका मतलब अगर ये मिनिमम रखा मैंने तो वेलोसिटी 2 आया, और मैक्सिमम रखा तो वेलोसिटी 0 आया. इसका मतलब है वेलोसिटी 0 और 2 के बीच में ही तो लाई कर सकता है, बिकॉज़ मैक्सिमम रखने पे 2 आ रहा है और मिनिमम मैक्सिमम रखने पे 0 आ रहा है और मिनिमम रखने पे 2 आ रहा है. इसका मतलब वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो 0 और 2 के बीच में ही लाई करेगी, वो 0 से कम नहीं हो सकती और 2 से ज्यादा नहीं हो सकती. अच्छा, वो कम नहीं हो सकती, ठीक है, कम नहीं हो सकती. तो v lies between 0 and 2. अच्छा, तो हमें ऐसे VT का पता चल जाएगा, है ना जी. ओके, तो इसका मतलब सर, मतलब B तो होगा नहीं क्योंकि उसमें तो नेगेटिव हो रहा है, और A होगा क्योंकि जो हमारा X है वो हमेशा ही पॉजिटिव है, और उसमें दिया ही हुआ XT ग्रेटर देन 0, लेकिन VT में वही हम देख रहे हैं तो मतलब लेस देन 0 आ जा रहा है. और सर C में आई गेस सी का पता नहीं, सी का समझ नहीं आ रहा ढंग से, लेकिन डी में भी हो सकते क्योंकि वीटी पता नहीं, वीटी का भी हो सकता है शायद. ए ही समझ आया, ए मुझे लग रहा होगा ही होगा, और उसके बाद तो पता नहीं, ए तो होगा ही, उसमें शक वाली बात कौन सी है. हाँ, ए तो समझ गई, मतलब होगा ही. हाँ, और एक और भी होगा क्या, ये वेलोसिटी 0 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, ये भी तो हो रहा है. ये कैसे, ये अभी तो प्रूफ किया यार. लेकिन सर वो तो माइनस वन में जा रहा है ना, लेकिन ये 0 से 2 दिया हुआ है. कहां माइनस वन में जा रहा है अलवीरा, वेलोसिटी देखो ना, तुम्हारे सामने लिखा है वेलोसिटी की ये इक्वेशन अलवीरा. अच्छा हाँ, हाँ वो टी का जा रहा था, जब हम वैल्यू पुट कर रहे थे तो वेलोसिटी 0 और फिर 2 आ रही थी. अच्छा, तो तुम्हारे सामने ही दिखा ना, ये वेलोसिटी 0 और 2 के बीच में ही लाई कर रही है. ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि मैंने देखा नहीं, वी इज इक्वल टू 0. ठीक है ठीक है ठीक है. चलो भाई, आगे बात करें. आगे बात करें. यस यस, ठीक है. अब इसमें मेरी कुछ बातें सुनो. हमने लास्ट जो टॉपिक डिस्कशन किया है वो टॉपिक कौन सा है हमारा, जिस पे हमने चर्चा की है, जो हमने डिस्कस किया है, व्हाट इज दैट टॉपिक. तो हमने सर्कुलर मोशन पे चर्चा किया है ना. सर्कुलर मोशन पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, आपने पता नहीं सबने ट्राई किया या नहीं किया, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आज करवा रहा हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं. देखिए, पहला क्वेश्चन आज का आपके लिए ये है कि आपको पहला काम ये करना है कि जैसा अभी मैंने क्वेश्चन, अभी ताहिरा का डाउट था वो मैंने क्लियर किया था, तो वैसा ही एक क्वेश्चन पहले तो सबसे पहले करो कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक. बस इतना सा सवाल है, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड and minute hand of clock. Clock के second hand और minute hand के angular velocity calculate करनी है, करो जल्दी से, जल्दी जल्दी एकदम. अभी मैंने our hand का angular velocity आपको calculate करके दिखाया था, our hand का angular velocity आपको calculate करके बताया था, अभी बताया था ना. वैसे ही अगर मिनट हैंड और सेकेंड हैंड का एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो कैसे होगा, हाउ विल यू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड, कैसे, कौन बताएगा, हु विल टेल मी, हाउ विल यू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड.
कोई है सर? हम यस हम कुछ तो करेंगे सर, कुछ नहीं करना है मुझे, एक बात बताओ ना, मिनट हैंड है ना, मिनट हैंड अगर घूमता है, मुझे एक बात बताओ, क्लॉक में तीनों सुई आपको पता है, नेडल्स, एक आर हैंड को रिप्रेजेंट, आवर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक मिनट को, एक सेकंड को, तो जो मिनट हैंड है, मिनट वाला, मिनट वाली सुई, वो अगर यहां से स्टार्ट करे और घूम के यहां पहुंचे तो उसको कितने टाइम में यहां से घूम के यहां पहुंचेगा भाई? ये तो बेसिक आइडिया है ना, बेसिक नॉलेज है ना आपका भाई, तो सिंपल सी बात है, एक घंटे में पहुंचेगा, मतलब 60 मिनट्स विल बी द टाइम आफ्टर विच द मिनट हैंड विल रीच टू द सेम पोजीशन वेयर फ्रॉम इट हैज स्टार्टेड, मतलब जहां से उसने स्टार्ट किया था वहीं पहुंचने में उसको कितना टाइम लग जाएगा? तो 1 मिनट लगेगा, 60 सेकंड्स लगेंगे, सॉरी 60 मिनट्स लगेगा, ठीक है? तो अगर एक बार नेडल यहां से घूम के यहां पहुंच गया तो टाइम टेकन इज 1 आवर, एक घंटे में मिनट हैंड पूरा घूम जाता है ना, एक बार मिनट हैंड का पूरा घूमना एक घंटा कहलाता है, यही तो मतलब है, इसका मतलब दिस इज 60 मिनट्स, ठीक है? तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड की अगर हम निकालें तो दैट विल बी इक्वल टू, एक बार पूरा घूम गया तो 2π डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, डिड यू अंडरस्टैंड हाउ? ठीक है, इसका मतलब 2π अपॉन 3600, तो दैट इज ओमेगा की जो मिनट हैंड की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 1800, ठीक है, रेडियन पर सेकंड, दिस इज योर आंसर, इज इट क्लियर? हाँ बोलो, 2π कैसे होगा सर? पाई भाई पूरा घूमा ना बेटा, मिनट हैंड को कभी ध्यान से देखा है? घड़ी में जो आपके मिनट हैंड होता है उसको अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, तो एक घंटा कब कहलाएगा? हम कब कहेंगे कि एक घंटा पूरा हो गया? जब ये यहां से स्टार्ट हो गया, यहां पहुंच गया, ठीक है, तभी तो एक घंटा पूरा होगा ना। तो एक घंटे में ये पूरा घूम जाएगा, एक बार पूरा चक्कर लगा लेगा, और एक पूरा चक्कर का मतलब 2π, ठीक है? यस सर, ये बेसिक नॉलेज है सर, इसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं, ये तो IQ लेवल क्वेश्चन है। अच्छा, सेकंड हैंड जो सेकंड वाला वो होता है नेडल, वो सेकंड वाला नेडल सबसे पतला वाला, वो देखते होगे सबसे फास्ट घूमता है, वो सेकंड वाला नेडल अगर एक पूरा चक्कर लगाए, सेकंड वाला नेडल अगर यहां से स्टार्ट करे, सेकंड वाला नेडल, और वापस यहीं पहुंचे तो कितना टाइम लगेगा उसको? 1 मिनट लगेगा। फॉर सेकंड हैंड हम टाइम को कह सकते हैं 1 मिनट, 1 मिनट इसका मतलब हो गया 60 सेकंड, तो अगर मैं, है ना, 60 सेकंड, अगर मैं इसका एंगुलर वेलोसिटी निकालूं सेकंड वाले का, तो दिस विल बी इक्वल टू 2π, क्योंकि फिर ये भी पूरा चक्कर लगा रहा है, डिवाइडेड बाय व्हाट? तो डिवाइडेड बाय 60, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना? दैट विल बी इक्वल टू पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकंड। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? प्लीज टेल मी। यस सर। भाई सबको क्लियर है? मैं आगे बताऊंगा भाई, इसमें किसी को कोई कष्ट? नो सर। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सर मैं इसको इरेज कर रहा हूं। यस सर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कुलर व्हील, a circular wheel of 0.50 meter radius is moving with a speed of 10 meter per second. Find its angular स्पीड। करो तो, एक सर्कुलर व्हील है जिसका रेडियस आपको गिवन है, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर व्हील आपको गिवन है, आपको ये पूछा गया है कि अगर ये सर्कुलर व्हील है और ये इसका रेडियस 0.50 मीटर है और इसकी वेलोसिटी मतलब स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? क्या करोगे? आपको v की वैल्यू गिवन है और ओमेगा निकालना है। आपको v गिवन है, आपको v गिवन है, r गिवन है, v की वैल्यू के, हाँ बस
10 मीटर पर सेकंड, ये भी गिवन है, और r आपको रेडियस आपको गिवन है, रेडियस की वैल्यू कितनी है, तो रेडियस की वैल्यू 0.50 मीटर, ये आपको रेडियस गिवन है, तो आपको ओमेगा निकालना है, ओमेगा इज नथिंग बट v बाय r, ओमेगा इज नथिंग बट v बाय r, दैट इज 10 अपॉन 0.50, तो 10 अपॉन 0.50 अगर हम कर देंगे, 10 को 0.50 से डिवाइड कर दें, तो जो भी आंसर आ जाए बस वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी, अगर आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 20 रेडियन पर सेकंड, इज इट क्लियर टू ऑल, प्लीज टेल मी. Yes, sir. Just the use of relation. Okay, moving on to the next question. Note कर लिया, एक और question पे आते हैं. Next question, मैं इसको erase कर रहा हूँ. Next question देखो. Question ऐसे है. The angular velocity of a particle. Angular velocity यहाँ पर given है. You have angular velocity of a particle moving along a circle of radius 50 centimeter is increased in 5 minutes from 100 revolution per minute to 400 revolution per minute. ठीक है सर. Find पहला angular acceleration. और दूसरा लीनियर एक्सेलरेशन. चलो मिलके करते हैं. मौना, व्हाट डू यू हैव इन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन टू यू, व्हाट आर द क्वांटिटीज गिवन इन दिस क्वेश्चन, बस इतना बता दो आप. मौना, कैन यू टेल मी व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन ऑलरेडी. मौना, कैन यू टेल मी व्हाट आर द पैरामीटर्स गिवन इन द क्वेश्चन. Mona, can you hear me? Please, if you can, please respond to me. Vibhuti, can you please tell me, beta, what are the parameters given in this question? Vibhuti, क्या क्या given है मैं question में, क्या क्या given है? Yes, sir. अब तो बताइए बेटा. Sir, time given. टाइम गिवन है, रेडियस गिवन है 50 सेंटीमीटर, तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स, तो 0.5 मीटर रेडियस हो गया. टाइम की वैल्यू मिनट में है, तो 5 मिनट्स है, तो इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा. क्यों? बिकॉज आई विल कन्वर्ट एवरीथिंग इन एसआई यूनिट, और टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो सेकंड्स होती है. तो टी इज इक्वल टू 5 मिनट मीन्स 5 × 60 इज इक्वल टू 300 सेकंड्स. ठीक है, गलत तो नहीं बोला. बिकॉज एक बात सबसे पहले समझ लो, यू नीड टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू एसआई यूनिट. तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, टाइम अगर मिनट या आवर में है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करो. अब आते हैं यहां पर, व्हाट इज दिस वैल्यू. अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो दिस इज ओमेगा 1, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, और वो कितनी गिवन है, वो गिवन है 100 रिवोल्यूशन पर मिनट. मुझे कोई बताएगा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, हु विल टेल मी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. रेडियन पर सेकंड, पर सेकंड, बट यहां पर क्या गिवन है, रिवोल्यूशन पर मिनट, एंड दिस इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. तो आई नीड टू चेंज दिस आल्सो इन एसआई यूनिट. अब मैं इस बात को सिखाना चाह रहा हूं, पहले सारे बच्चे समझे. इशिका, इफ आई से के आई हैव कंप्लीटेड वन रिवोल्यूशन, इफ आई कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑन अ सर्कुलर पाथ, व्हाट इज द लेंथ दैट आई विल कवर इन दैट वन रिवोल्यूशन. 2 pi r, right? ठीक है, means one revolution means 2 pi r is the total distance and hence the angle that I will cover will be simply 2 pi. Am I correct, Rishika? Yes, sir. Yes, 360 degree, no issue with that. So one revolution means one revolution per minute can be written as equal to 2 pi, because one revolution means 2 pi radian
ठीक है, एक रिवोल्यूशन में आपने कितना एंगल कवर किया, दैट इज रेडियन, तो 2 पाई रेडियन अपॉन टाइम, टाइम कितना गिवन है मिनट, मिनट को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा सेकंड्स में तो मैं 60 लिख सकता हूं। यस सर। इसका मतलब व्हेनेवर व्हेने, इसका मतलब, और ये सेकंड हो गया, इसका मतलब इसको थोड़ा अच्छा करके लिखूं अगर मैं, तो मैं लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकंड, पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकंड। ठीक है तारिक भाई, तारिक भाई, वन रिवोल्यूशन पर मिनट का मतलब हो गया पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकंड। इसका मतलब बेटा अगर 100 रिवोल्यूशन पर मिनट है, 100 रिवोल्यूशन पर मिनट है, तो इसको रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, 100 इंटू पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकंड, एम आई करेक्ट और नॉट, दिस जीरो एंड दिस जीरो विल कैंसिल आउट, तो क्या बन जाएगा ये 10 पाई अपॉन 3 रेडियन पर सेकंड। हु इज नॉट अंडरस्टैंडिंग सर? ऋषिका। Ishika? Yes, sir. Ishika, tell me, in one revolution, how much of the angle will you cover? एक revolution में कितना angle आप cover करेंगी? ये अगर आप, एक revolution का क्या मतलब है कि जहां से start करो वहीं वापस पहुंच जाओ, तो आपको तो समझ में आ रहा होगा कि the angle that we will cover will be 360, मतलब 2 pi, 2 pi कह सकते हैं, ठीक है? तो एंगल कितना कवर किया हमने, 2 pi, मतलब 1 रिवॉल्यूशन की वैल्यू कितनी हो गई, अगर मैं एंगल के टर्म्स में 1 रिवॉल्यूशन को देखूं तो 2 pi रेडियन, यही तो मतलब हुआ। यस सर। और 1 मिनट की वैल्यू सेकंड्स में कितनी होती है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, होता है क्या? यस सर। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए, 1 रिवॉल्यूशन अपॉन मिनट, तो 1 रिवॉल्यूशन को मैं 2 पाई रेडियन लिख सकता हूं और मिनट को मैं 60 सेकंड्स लिखता हूं, लिख सकता हूं, इज इट करेक्ट? Yes, sir. इसका मतलब अगर मुझे 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट को थोड़ा सा कैंसिलेशन कर लो, तो 2 से 60 कैंसिल करो तो 30 आएगा, इसका मतलब पाई बाई 30 लिख सकते हो या नहीं? Yes, sir. इसका पूरा मतलब क्या हुआ, पूरा मतलब यह है कि अगर मुझे 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट को इफ आई हैव टू कन्वर्ट इट इंटू रेडियन पर सेकेंड, इफ आई हैव टू कन्वर्ट इट इंटू रेडियन पर सेकेंड, तो 1 रिवोल्यूशन पर मिनट इज ऑलवेज इक्वल टू पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकेंड। नहीं समझ आया? तो ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 100 रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, तो इसको अगर रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे भाई, एक रिवोल्यूशन पर मिनट की ये वैल्यू होती है, तो 100 की कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर लो, डन। यस। सिमिलरली अगर ओमेगा 2 देखो तो कितना है, 400 रिवॉल्यूशन पर मिनट, बट सर इट्स 100 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। जी फिर से बोलिए बेटा, मैं सुन रहा हूं। 100 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। हां 100, ये 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट है ना, पर मिनट का मतलब समझती हैं कि एक मिनट में 100 रिवॉल्यूशन। नहीं समझ रहा हूँ, फिर तुम्हारा ना, तुम इतनी जल्दी बोल के बंद क्यों जाती हो, आप थोड़ा थोड़ा समझो। I'm saying कि हाँ बेटी, हाँ I'm saying कि इट्स रेडियन पर सेकंड और उधर रिवॉल्यूशन पे इट्स पर मिनट है। इशिका सेकंड में कर, व्हाट आर यू सेइंग, what are you saying, I am unable to understand, matlab revolution per minute, that omega is in radian per second but then it's written 100 revolutions per minute. Yes, see this is also a unit of omega, revolution per minute is also unit of omega, but this revolution per minute is not the SI unit of omega. Jaise agar maan lo main length ko likhu 5 cm, तो सेंटीमीटर इज ऑल्सो यूनिट, राइट, यूनिट ऑफ लेंथ है ना, बट इज इट एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, इज दैट एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? इशिका सेंटीमीटर भी तो यूनिट है ना लेंथ की, लेकिन क्या वो एसआई यूनिट है? वो एसआई यूनिट तो नहीं है, तो आप क्या करते हो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो ना, तो आप जब कन्वर्जन करते हो सेंटीमीटर का मीटर में, तो आप कोई फैक्टर से डिवाइड या मल्टीप्लाई तो करते हो ना बेटा? Yes, sir. That is what we are doing here also. See, revolution per minute is also the unit of angular velocity. But it is not the SI unit.
मैंने क्या बोला कि एवरीथिंग शुड बी कन्वर्टेड इनटू एसआई यूनिट. द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकंड. एसआई यूनिट क्या है एंगुलर वेलोसिटी की? रेडियन पर सेकंड. तो अब रिवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो रिवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 30 से मल्टीप्लाई करेंगे. डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर. ओके, तो दैट इज व्हाई आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाई पाई बाई 30. यू हैव टू रिमेंबर द यूनिट्स राइट. तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं 40 पाई बाय 3. ये रेडियन पर सेकंड. दिस इज योर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज योर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. यहां तक नोट कर लो जल्दी से, सो दैट आई कैन सॉल्व रेस्ट ऑफ द थिंग. जल्दी से प्लीज इसको यहां तक नोट करिए. ओके, तो अब देखिए बेटा, अब इसके बाद फर्दर हमने करना क्या है? अब हमसे क्या क्या पूछा है? एंगुलर एक्सेलरेशन. तो मैं आपको याद दिलाता हूं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन. तो इफ यू रिमेंबर, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने लास्ट डे आपको सिखाया था. आई डोंट नो हाउ मच डू यू रिमेंबर दैट और नॉट. एंगुलर एक्सेलरेशन में मैंने आपसे ये बोला था कि एंगुलर एक्सेलरेशन, यस, ओमेगा, चेंज इन ओमेगा बाई टाइम कह लो. ठीक है, ओमेगा 2 इज व्हाट? ओमेगा 2 इज 40 पाई बाई 3. ओमेगा 1 इज व्हाट? 10 पाई बाई 3 अपॉन टाइम. टाइम की वैल्यू कितनी है? 300 सेकंड्स. देखो टाइम किस में गिवन है? मिनट में. एंड मिनट इज नॉट द एसआई यूनिट, तो इसलिए हमने टाइम को भी एसआई यूनिट में चेंज किया, मतलब सेकंड में चेंज किया. तो हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो 300 हो जाएगा. तो दिस विल बिकम इक्वल टू 30 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 300. इज इट करेक्ट? अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं ये कह सकता हूँ 3 ये 10 हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. इसका मतलब कितना आएगा रिजल्ट? पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ योर एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन. इज इट करेक्ट और नॉट? किसी को कोई दिक्कत? नो सर. ठीक है, तो दिस इज योर एंगुलर वेलोसिटी, ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन. अब हमसे दूसरी चीज क्या पूछता है? लीनियर एक्सेलरेशन. अब आपने अगर लास्ट वाले क्लास की बातों को पढ़ा होगा तो आपको ये याद होगा कि द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा मल्टीप्लाइड बाय आर. डू यू रिमेम्बर दैट? तो ए इज इक्वल, ये मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था बेटा, इफ यू कैन प्लीज रिकलेक्ट. अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है? पाई बाई 30. और रेडियस कितना है? देखो रेडियस गिवन है 50 सेंटीमीटर. इशिका, शुड आई राइट रेडियस, द वैल्यू ऑफ रेडियस एज 50 सेंटीमीटर, और डू आई नीड टू चेंज इट? Change. In which unit? What should be the unit of this radius? Meter. ठीक है, तो मीटर में कैसे चेंज करते हैं हम? 50, ये जो हमारा सेंटीमीटर है इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे. सॉल्व कर लो इसको, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो ये कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 300. देखो मैंने गलत तो नहीं बोला, पाई अपॉन 300. और इसकी यूनिट क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज यू आर राइटिंग द यूनिट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन. सर, पाई बाय आर नहीं था, लो अल्फा बाय आर नहीं था. यार कंफ्यूज मत हो, अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर था सर. देखो सर, देखो कल का नोट्स देखो. यस सर, यस सर. हो गया सर? यस सर, आगे सब. मेहनत कम चल रही है सर, मेहनत कम चल रही है आप लोगों की. सर प्लीज मेहनत बढ़ाओ. मैं फिर से सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ, एंड प्लीज एवरीवन टेल मी द आंसर. रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 200 रिवोल्यूशन पर मिनट, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 500 रिवोल्यूशन पर मिनट. ठीक है, time in which the velocity changes from 200 to 500 is equal to, let's say it is 6 minutes. Bilkul same question de raha hu. Aap sare bachche solve karke mujhe jaldi se bataye. Find angular acceleration. And linear acceleration.
हरी अप विद इन अ मिनट आंसर बताइए. सॉल्व इट विथ लाइटनिंग स्पीड. टेल मी द आंसर एज क्विकली एज पॉसिबल. एक मिनट के अंदर मुझे आंसर बताओ एकदम सारे. सर एंगुलर एक्सेलरेशन निकल गया. ठीक है गुड. देखिए भाई फिर से यहाँ पर यूनिट अगर आप देखें तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट, द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज इन रिवॉल्यूशन पर मिनट. तो हमें वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन पर सेकंड बिकॉज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकंड. तो अगर हम ओमेगा इनिशियल की वैल्यू लिखें इट इज 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट. इसको अगर हम रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो वी विल मल्टीप्लाई इट विद पाई बाय 30. तो दिस विल बिकम रेडियन पर सेकंड. इसका मतलब ये हो जाएगा 20 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकंड. ठीक है. इसी तरह से ओमेगा फाइनल की वैल्यू इज 500 रिवॉल्यूशन पर मिनट. 500 रिवॉल्यूशन पर मिनट is equal to 500 multiplied by pi by 30 is equal to 0 से 0 cancel कर दो तो this will become equal to 50 by 3 radian per second. ठीक है. तो angular acceleration क्या होता है? omega final minus of omega initial divided by the time. omega final is 50 pi by 3 minus of omega initial is 20 pi by 3 divided by time. time की value 6 minutes है and minute is not the SI unit. तो मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 60 विल बिकम सेकंड्स. मींस ये हो जाएगा 360 सेकंड्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है. तो दिस विल बिकम इक्वल टू 360. सॉल्व करो इसको. 50 माइनस ऑफ 20 विल बिकम इक्वल टू 30 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 360. इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा, ठीक है, 10. ये हो जाएगा 3 से 30 कैंसिल करो तो 10 आ जाएगा और ये 10 पाई ऊपर आएगा आपका 10 पाई नीचे आएगा 360. आप 0 से 0 को कैंसिल कर सकते हो तो पाई बाय 36 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन. इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर. यस सर. मेरा 36 नहीं आ रहा था, मेरा 18 आ रहा. गलत कर रही हैं आप कुछ. कुछ तो गलती हुई है सर. अब इसमें अगर मुझे लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है तो मैंने अभी क्या फॉर्मूला सिखाया, a इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय r. तो a इज इक्वल टू पाई अपॉन 36 मल्टीप्लाइड बाय r. ठीक है. r की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर. एंड रिमेंबर दिस 20 सेंटीमीटर इज नॉट द एसआई यूनिट. सेंटीमीटर इज नॉट द एसआई यूनिट. तो इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 लिख सकते हैं आप. अभी ये जो भी सॉल्व करके आ जाए इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट विल बी योर लीनियर एक्सेलरेशन एंड दिस इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन. अब क्लियर है? यस सर. यस सर. यस सर. आंसर ठीक है. ठीक है. मैं इरेज कर सकता हूं. मोहना तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आ रही है. व्हाट हैपेंड? इज देयर एनी इशू विथ योर माइक? No, sir. Did you get whatever I have taught today? Yes, sir. Okay. Tariq, बातें समझ आ रही हैं? Yes, sir. ठीक है. तो एक और क्वेश्चन पे मैं आपको टेस्ट करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे की चीज पढ़ाऊंगा. तो I have one more question for you. देखते हैं आप कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं. हाँ, ये अभी सर्कुलर मोशन में अभी थोड़ी सी चीज और बची है, वो हम करेंगे. तो सर्कुलर मोशन इज लास्ट टॉपिक ऑफ मोशन इन प्लेन.
उसके बाद फिर हम एक नए चैप्टर पे जाएंगे, बट इसमें एक और चीज बची है जिसको हमें डिस्कस करना है, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे की चीजों पर डिस्कशन करूंगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, एंड आई होप एवरीवन विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट सिंपल सा क्वेश्चन? सो सिंपल सा क्वेश्चन इज के क्वेश्चन आपको बोला है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मून। नहीं, ये नहीं कर पाओगे, अभी हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं पढ़ा ना, अभी हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो नहीं पढ़ा है। नो सर। ठीक है, तो एक काम करो, पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो टॉपिक डालिए आज का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टॉपिक डालिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसका डेरिवेशन आपको एग्जाम में आ सकता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका डेरिवेशन आपको एग्जाम में आ सकता है, तो यू नीड टू बी केयरफुल, ठीक है। इस डेरिवेशन को आपको बहुत अच्छे से समझना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब मैं आपको जैसे ये समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आप थोड़ी सी ज्योमेट्री का भी यूज है यहाँ पर, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। और याद रखिए कि आई विल बी ड्राइविंग दिस रिजल्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, जो फॉर्मूला मैं ड्राइव करूंगा, आई विल बी ड्राइविंग दिस फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी होगा तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैं अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में ड्राइव करूंगा बाय टेकिंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपको मैंने बताया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है ऐसा सर्कुलर मोशन। हाँ, असाइनमेंट में है, बट मैं अभी करा रहा हूं इसको। तो सेंट्रीपिटल, फिर से मैं कह रहा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसा सर्कुलर मोशन है जिसमें स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब वैल्यू ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होती, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो मैं अभी जो चीजें करूंगा वो सिर्फ यूनिफॉर्म को लेके ही मैं ड्राइव करूंगा। बट याद रखो, अगर सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म भी हो जाए तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैं अभी ड्राइव कर रहा हूं, दैट विल बी एप्लीकेबल टू नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑल्सो। जो मैं फॉर्मूला अभी ड्राइव कर रहा हूं वही नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए भी एप्लीकेबल होगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, वेदर यू हैव यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म, सेम फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी अप्लाइड। अब मेरी बात ध्यान से सुने आप, मान लीजिए सर ये कोई सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल यहां पर है और यहां से फिर यहां गया है। लेट मी कॉल दिस पॉइंट पी एंड लेट मी कॉल दिस एज पॉइंट क्यू, और ये आपका सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ का सेंटर है। यहां तक क्लियर है? जब पार्टिकल यहां पर है तो इसकी पोजीशन अगर मैं सेंटर के रिस्पेक्ट में बताऊं, सेंटर के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसकी पोजीशन देखूं तो ऑब्वियसली दैट विल बी नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। और पॉइंट क्यू की अगर मैं पोजीशन सेंटर के रिस्पेक्ट में देखूं तो अगेन इट विल बी नथिंग बट द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि सेंटर के रिस्पेक्ट में जब पार्टिकल पी पॉइंट पर है तो उसकी पोजीशन बताने के लिए हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर होगी, और जब Q पॉइंट पर है तो उसकी पोजीशन हमने सेंटर के रेस्पेक्ट में बताने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दिया, अगेन इसकी वैल्यू रेडियस के बराबर है। बट याद रखो एक बात, मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं यहां पर कोई पॉइंट है, मान लो इफ आई टेल यू कि देयर इज अ पॉइंट समवेयर हियर, यहां पर कोई पॉइंट है और इसकी पोजीशन आपने बतानी है, ठीक है, इसकी पोजीशन आपने बतानी है, तो आपको मैंने एक बात बताया था कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन अगर आप बताते हैं तो आपको एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, एंड दैट वेक्टर इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। याद है या भूल गए? यस सर। क्योंकि देखो, अगर देखो एक बात मेरी समझो, अगर मैं आपसे कहूं कि स्पेस में कोई एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, मतलब आसमान में कोई एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, तो अगर किसी भी टाइम पे आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दैट एरोप्लेन, तो आप दो चीजें बताएंगे कि वो कहां पर है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, यही तो उसका लोकेशन होगा ना। मतलब आप उसकी मैग्नीट्यूड भी बताएंगे और डायरेक्शन भी बताएंगे। सर नहीं आ रही बात समझ? यस सर। जैसे अगर मान लो इसी पॉइंट को अगर मैं यहां के रेस्पेक्ट में देखूं, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो मैं कह सकता हूं मेरे लिए ये पॉइंट इधर है, तो मेरे लिए इसकी डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब किसी भी पॉइंट का अगर मैं
पोजीशन बता रहा हूं, तो पोजीशन और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा, और इसलिए हमें एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है, और उस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। कैसा वेक्टर कहते हैं बेटे, बोलो बेटे? पोजीशन वेक्टर। मतलब इस आर को याद रखिएगा कि ये लेंथ तो आर है, मतलब रेडियस है, बट याद रखिए ये अपने आप में एक वेक्टर की तरह मैं इसको ट्रीट करूंगा। व्हाई आर यू ट्रीटिंग इट एज अ वेक्टर? बिकॉज ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है ना, एरो वाली लाइन, दिस इज गिविंग मी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट पी, एंड दिस एरो वाली लाइन इज गिविंग मी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट क्यू। क्लियर है? किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू द सेंटर। तो दिस कैन बी ट्रीटेड एज वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर है। इज इट क्लियर इशिका? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। विभूति डिड यू अंडरस्टैंड? कि ये है तो वेक्टर, बट इसकी लेंथ किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है। ठीक है तारिक भाई, समझ में आ गई बात? तारिक डिड यू अंडरस्टैंड? अब मान लो P से अगर Q गए हो, P से Q, तो यहां पर कुछ एंगल भी बना होगा, यहां पर कुछ एंगल भी सबटेंड हुआ होगा। अब एक बात और समझे, यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी, और यहां पर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे होगी। ध्यान से देखो, होगी, मानते हो? यस सर। ये मानते हो? सबको क्लियर है? और अच्छा, दोनों में सर आपने वी वी क्यों लिखा? वी की वैल्यू दोनों में सेम क्यों लिया? क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि मैं ये रिजल्ट ड्राइव कर रहा हूं, किसके लिए ड्राइव कर रहा हूं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। और आपको याद है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की वैल्यू सेम होती है, डायरेक्शन डिफरेंट होती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर का जो वेलोसिटी वेक्टर है और यहां पर का जो वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, बट डायरेक्शन वाइज डिफरेंट है या नहीं है बेटा? सब बोलेंगे बेटे? मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू वाइज तो सेम है, बट दोनों पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन दोनों पॉइंट पे सेम नहीं है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है बट मैग्नीट्यूड सेम है। क्लियर है? अब मुझे एक बात समझानी है आपको, पहले तो ये समझिए, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं, पहले तो ये समझिएगा, और इस लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं, और इन दोनों को यहां पर मिलाऊं, कोई बता सकता है कि इनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। भाई 90 ही तुम लोगों को पता है क्या? नहीं बेटा, 90 नहीं होगा, नहीं 180, 90 कुछ नहीं। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं आपको जो जहां जहां पॉइंट्स दिखा रहा हूं उसको सुनना। ये इस पॉइंट को मान लो ए, मैं इसको अलग करके पहले तो आपको ज्योमेट्री समझाऊं। सर मेरी बात सुनिएगा, ये ऐसे है, ठीक है, ये लाइन आपको दिख रही है ऐसे है, और ये ऐसे है। ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए ओ है, ये क्यू है, ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, नहीं 60 भी नहीं होगा सक्षम, बात सुनो, ये पॉइंट पी है, ये दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ना, इस वाले को मैंने अलग करके दिखाया है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको? दिख गया? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर इस पोर्शन में ये वाला एंगल थीटा है। सर अगर आपने 8th या 9th पास किया है तो मुझे बताइए, ये जो ये मैंने चार साइड वाला ये बनाया, इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं या नहीं कहते हैं? यस यस सर। कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं तो मुझे आप बता सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा? 180। भाई अगर ये वाला एंगल थीटा है और ये एंगल x है, तो थीटा प्लस ऑफ x की वैल्यू 180 होनी चाहिए। ये बचपन की मैथमेटिक्स है, और नहीं याद है तो अभी समझ लो कि थीटा प्लस ऑफ ये वाला एंगल x इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। क्लियर है? तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 180 माइनस थीटा। इसका मतलब ये वाला जो एंगल आएगा, ये वाला एंगल, ये 180 माइनस थीटा है, ठीक है। अब एक बात समझो, तो ये वाला एंगल कितना होगा? अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, देखिए ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है आपको? ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, और इसमें यहां पर जो एंगल है वो 180 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा। भाई साहब,
इतना तो मतलब इतना दिक्कत है यार मैथमेटिक्स में. थीटा. अरे भाई मुझे एक बात बताओ, एक स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री. 180. बाकियों को पता ही नहीं है क्या? बाकी नहीं सुनेंगे मतलब नहीं बोलेंगे? यार अजीब मजाक कर रहे हो यार आप लोग. माइक अनम्यूट करो यार. What is the angle of a straight line? Mauna, what is the angle of a straight line? Mauna, can you tell me please, what is the angle of a straight line? 180. 180. If this angle I am saying, if this angle is 180 minus theta, what would be the value of this angle? What will be the value of this angle? Tell me. Theta. Mauna has to speak. Theta. पक्का या सिर्फ मतलब ऐसे ही बोल रही हैं? भाई 180 minus theta, पक्का 180 minus theta plus theta करूंगा तो theta से theta cancel हो जाएगा तो total angle 180 आएगा ना सर? Yes sir. इसका मतलब ये वाला जो angle आ रहा है, this is theta. And if this angle is theta, मतलब ये जो angle मैंने यहाँ पर दिखाया, this is theta भाई. समझ में आई बात? और अगर इतनी बात भी नहीं समझ में आई हो तो मेरी बात ध्यान से सुनिए. ये बेसिकली क्लास 9th में ज्योमेट्री में सर्कल वाले चैप्टर में इट्स अ थ्योरम. ये ज्योमेट्री क्लास 9th में आपने देखा होगा, उसमें एक चैप्टर है सर्कल. उस सर्कल में ये थ्योरम है कि जितना एंगल रेडियस के बीच में बनेगा उन पॉइंट्स पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो उन टेंजेंट के बीच में भी उतना ही एंगल बनेगा. द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट टू दैट पॉइंट विल ऑल्सो बी सेम. क्या मतलब? अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि ये यहां पर एक रेडियस लिया और यहां पर, और मैं ये कह रहा हूं ये एंगल 30 है, तो इन पॉइंट्स पे अगर मैं टेंजेंट ले लूं, टेंजेंट ये टेंजेंट है, तो इन टेंजेंट के बीच का ये एंगल भी 30 ही होगा. दिस इज बेसिकली अ थ्योरम विच इज टॉट इन क्लास 9th. बट फॉरगेट अबाउट द थ्योरम. अगर आपको थ्योरम याद नहीं है तो अब आपको समझ में आए कि ये एंगल थीटा कैसे हुआ, प्लीज बताइए. अगर नहीं आया तो प्लीज बताइए, क्योंकि फिर बेटा बहुत मुश्किल हो जाएगी. अगर आप बिल्कुल एकदम नहीं बोल रहे हो ना तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मतलब कवर योर सिलेबस. देखो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज वी आर इन ऑनलाइन कोर्स. अगर आप मेरे पास फिजिकली बैठे होते और मैं आपको फिजिकली पढ़ा रहा होता तो मैं आपके एक्सप्रेशन से मार्क कर लेता कि आपको क्या समझ आया क्या नहीं आया. मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ. ये ऑनलाइन कोर्स में फॉर मी इट इज नॉट पॉसिबल टू आस्क एवरीवन टू स्विच ऑन देयर वीडियो, तो इसलिए मैं आपके एक्सप्रेशन को भी नहीं देख पा रहा हूं. तो मैं वहां से आपको जज नहीं कर पा रहा हूं कि आपको कितनी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है. समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए मैं बार बार आपसे पूछता हूं, क्योंकि बेटा होता यह है कि आप में से कितनों को अगर समझ नहीं भी आए तो आप पूछते ही नहीं है, आप कुछ बोलते ही नहीं है. देखो ऑल्दो इट इज ऑनलाइन क्लास बट आई एम पुटिंग माई एफर्ट. तो आप ये नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अफोर्ड टू टेक दिस क्लास बाय लाइंग डाउन ऑन योर बेड. मतलब बिस्तर पे सोए सोए मोबाइल सामने रख के फिजिक्स नहीं समझ में आएगी. प्लीज अगर आप ऐसा कर रहे हो तो प्लीज ये करना बंद कर दो. मैंने देखा है ऑनलाइन में बच्चे क्या करते हैं, स्पेशली स्कूल की क्लासेस में, कि वो क्या करते हैं मोबाइल में ऑन कर देते हैं और खुद लेटे हुए होते हैं. अगर आप ऐसा करोगे तो बेटा आप अपना नुकसान कर रहे हो, बिकॉज मैं मेहनत कर रहा हूं. तो आपको बिल्कुल ना जैसे क्लास होती है ना, पहले तो आप अपने को उस एनवायरमेंट में रखो. जब आपकी ऑनलाइन क्लास हो रही हो तो आप अपने को पुट योरसेल्फ इन दैट एनवायरमेंट कि एक्चुअली में क्लास हो रही है, टीचर आपको सामने पढ़ा रहा है. पहले तो ये करो, वो बेड पे बैठ के नहीं होगा. आपको बिल्कुल उस पोस्चर में बैठना पड़ेगा जिस पोस्चर में आप क्लासरूम में बैठा करते थे. पहला पॉइंट तो ये, ठीक है. दूसरा पॉइंट ये है कि व्हेन अ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, आपको अगर नहीं आता है तो आप साफ कहिए कि नहीं आता है सर, मुझे दोबारा बताओ सर, मुझे नहीं समझ आया सर. ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सर आपका नुकसान है, इसमें मेरा नुकसान नहीं है.
मेरा लॉस नहीं है, आपका लॉस है। दो लॉसेस हैं, एक तो ये होता है मेरे बार बार कहने पर बेसिकली ये हो जाता है कि पहली बात तो ये होता है कि बार बार जब मैं एक ही बात कह रहा होता हूं तो सिलेबस स्लो हो रहा होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि आप जब कुछ नहीं कहते हैं और आप नहीं भी समझ रहे होते हैं और आप जब कुछ नहीं भी कहते हैं पूछते ही नहीं है तो आप अपना नुकसान कर रहे होते हैं कि ना तो आप सीख रहे हैं ना आप सिलेबस आगे बढ़ पा रहे। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे ब्लू, मेरे नीले, मैं आपसे बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपसे कुछ पूछूं तो प्लीज स्विच ऑन योर माइक, एंड इट इज नॉट अ वेरी बिग टास्क टू स्विच ऑन योर माइक। इतना तो अब आप इतना तो एडॉप्ट कर चुके होंगे ये ऑनलाइन क्लासेस के साथ, आप माइक स्विच ऑन करिए, कुछ नहीं है बस टैप तो करना है भाई। गेम खेल सकते हो, पबजी खेल सकते हो, फ्री फायर खेल सकते हो मोबाइल पे घंटों घंटे, ठीक है। तो मोबाइल पे जाके उंगली प्रेस करके अपना माइक ऑन करके आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हो? कर सकते हो सर, कर सकते हो, प्लीज आदत डालो। मैं आपको एक ईमानदारी की बात बताऊं, यू नेवर नो कि कोरोना कब तक खत्म होगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इफ यू आर लिविंग इन दिल्ली तो एक बात तो भूल जाओ कि इस साल स्कूल खुलने वाला है। यस सर, ये तो भूल जाओ इफ यू आर इन दिल्ली, बिकॉज दिल्ली का चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर, दे डोंट हैव एनी रोड मैप, दे ओनली हैव वन थिंग इन कॉमन, कि उनको यही लगता है कि ओनली अ स्कूल एंड इंस्टीट्यूट विल स्प्रेड कोरोना इन द होल वर्ल्ड, दे ओनली हैविंग दिस आइडिया, दैट्स इट। ना तो मार्केट प्लेसेस से कोरोना फैलता है, ना सिनेमा हॉल से कोरोना फैलता है, ना मॉल से कोरोना फैलता है, कहीं से नहीं फैलता। स्कूल और कोचिंग में बच्चे आ जाएंगे तो कोरोना फैल जाएगा, एक ब्लास्ट हो जाएगा कोरोना वायरस का। तो इसलिए इस साल तो आपका स्कूल इफ यू आर इन दिल्ली तो खुलने वाला नहीं, और जहां खुला भी है वहां फिर कोई फायदा भी नहीं है, वो ऑनलाइन ऑफलाइन वो स्कूल वाले ही कंफ्यूज होंगे क्या करें। तो इसलिए तो बेटा आपको सिचुएशन के साथ अडॉप्ट करना पड़ेगा, और अडॉप्ट करना पड़ेगा तो मतलब आपको सीरियसनेस लानी पड़ेगी, ठीक है। एक बात समझो, अगर आपको स्कूल वाला पास भी कर देता है ना तो आपका बेस खत्म हो गया, ये बात याद रखो। अगर स्कूल वाला सारे बच्चों को भी पास कर दे तो बच्चों ने पढ़ा ही नहीं ना, आपको पास कर दिया गया, आप आगे करियर में क्या करोगे? जब आपको पूरे ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर डिग्री के बाद जब जॉब की इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, और जब आपसे वो सवाल करेगा तो वो ये नहीं पूछेगा कि तुम कोरोना काल में पढ़ रहे थे या नहीं, आप पैंडेमिक के टाइम में आप स्टूडेंट थे या नहीं, वो ये नहीं पूछेगा, और उस बेस पे आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं कर लेगा। वो तो आपको क्वेश्चन पूछेगा, वो आपके मार्क्स देखेगा और उसके बाद सिलेक्शन करेगा आपका। तो फिर आप वो नहीं कह सकते कि सर हम तो कोरोना टाइम में थे जहां पर हमें बिना एग्जाम लिए पास कर दिया गया था, उससे उसको मतलब नहीं होगा सर। इसलिए अपना बेस मजबूत करो अगर आपको थोड़ी सी भी पढ़ने का शौक है तो, और प्लीज रिस्पॉन्ड किया करो सर, ये हमारे लिए भी बड़ा एफर्ट लगता है ऑनलाइन में जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हमें भी एक एफर्ट डालना पड़ता है और बहुत ज्यादा डालना पड़ता है। तो अगर आपको चीजें समझ में आए या ना आए प्लीज पूछा करिए, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है यार, आप समझ रहे हैं मेरी बात, तो प्लीज रिस्पॉन्ड किया करिए सर, वरना आपका सिलेबस बहुत स्लो हो जाएगा। या अगर मैं ये कर दूं कि मैं किसी से पूछूं ही नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, चार दिन के बाद कहेंगे आप कि हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो सर प्लीज आप भी अपना एफर्ट लगाइए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और दूसरी बात यह कि आप लोग असाइनमेंट जो मिल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए सर, वो असाइनमेंट आपको पर डे इसीलिए मिल रहे हैं, क्या वो असाइनमेंट करें? अब वो भी नहीं, अब आप उसमें भी आप लोगों ने बहुत वो कर लिया अपने आप को, शुरू में तो आप लोगों में दिखता भी था एक स्पार्क, अब आप लोग उसमें भी बहुत डल हो गए हो कि आप असाइनमेंट भी नहीं करते, कोई डाउट नहीं पूछता, एक आध बच्चे ने पूछ लिया तो पूछ लिया। तो सर प्लीज पढ़िए, अपने लिए कम से कम पढ़िए, ठीक है। चलिए तो खैर दिस एंगल विल बी थीटा, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि देखो जैसे जैसे आपका टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टॉपिक का डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो खैर तो मैंने आपसे बोला कि यहां पर ये थीटा, आप मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मैं इस वेलोसिटी वेक्टर को ध्यान से देखिए ऐसे ड्रॉ कर दूं, ऐसे ये वाला वेलोसिटी वेक्टर, ये वाला, और इस वेलोसिटी वेक्टर को मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, ठीक है दोनों ही वेलोसिटी के वेक्टर हैं, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, बट एज अ वेक्टर अगर हम देखें तो पहले पार्टिकल ऐसे जा रहा था इस पॉइंट पे, ये पी पॉइंट पे है ना, पी पॉइंट पे, मतलब इसको मैं नाम दे देता हूँ कुछ पी ए, और इसको मैं नाम दे देता हूँ कुछ, इस पॉइंट को मैंने कुछ नाम दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था तो कुछ भी नाम दे लो इसको।
आप मेरी, मेरे हिसाब से आप मेरी बात समझ रहे होंगे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इस पॉइंट पे पार्टिकल ऐसे जा रहा था और जब हम उस पॉइंट पे पहुंचे तो पार्टिकल ऐसे जाने लगा। इसका मतलब है बेटा कि ऑल्दो वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, बट बिकॉज उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है तो हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली वेलोसिटी चेंज हो गई है। बेटा जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर आपका पार्टिकल इधर जा रहा है, ठीक है, आपका पार्टिकल इधर जा रहा है और वो फिर लौटने लग जाए, वो इधर चलने लग जाए, पहले राइट जा रहा था अब लेफ्ट जा रहा है उसी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था अब वो 10 मीटर पर सेकंड से लौटने लगे, तो मेरे बच्चे आप क्या कहोगे, वेलोसिटी चेंज हुई या नहीं हुई? इज देयर अ चेंज इन वेलोसिटी? नहीं, फिर से सुनो, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका पार्टिकल इधर जा रहा था विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड और अब इधर जाने लगा 10 मीटर पर सेकंड से, वेलोसिटी चेंज हुई या नहीं हुई? सर नहीं हुई। अरे वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी समझते हो? वेलोसिटी, वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर? अलवीरा आर यू देयर? अलवीरा इज नॉट हियर। जानवी, वेलोसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज अ वेलोसिटी? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर? वेक्टर। वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है ना? यही मतलब हुआ। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले मैं प्लस एक्स के अलोंग जा रहा था, आई वॉज हैविंग माई वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स, ठीक है, नाउ आई एम हैविंग माई वेलोसिटी टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो मेरी डायरेक्शन चेंज हुई या नहीं हुई? yes. और डायरेक्शन चेंज हो गई, इसका मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हुई बेटा। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नहीं आई बात समझ में? अरे सर मेरी बात समझ आ रही है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। इसका मतलब अगर आप मैग्नीट्यूड को चेंज ना करो और डायरेक्शन को चेंज कर दो तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी सर। तो देखो बेटा ये वैल्यू सेम है, बट अभी ये डायरेक्शन थी इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर थी, और क्यू पॉइंट पे यही वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर हो गई बेटा? तो क्यू पॉइंट पे ये वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर हो गई, चेंज हो गई। इसका मतलब मैं कहूंगा कि ये वेलोसिटी वेक्टर चेंज हुआ है, ये वेलोसिटी वेक्टर चेंज हुआ है, ये इसको हम कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी। आई मेरी बात समझ में? और ये वाला एंगल कितना होगा, तो देखो इस लाइन को मैंने एक्सटेंड करके दिखाया था, इस लाइन को मैंने एक्सटेंड करके दिखाया था और आपको बोला था ये एंगल थीटा होगा। क्लैरिटी है? ठीक है। अब मेरे बच्चों अगर मैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन ले लूं, सीधा एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यहां देखिएगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा सर। तो ये वाला ट्रायंगल देखिए आपको, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है बेटे, ये वाला ट्रायंगल। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को देखोगे तो इस ट्रायंगल में आप एक बात समझने की कोशिश करो, इस ट्रायंगल में, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को मैं कुछ नाम दे देता हूं, इसको मैं अपनी तरफ से एक नाम दे देता हूं एबीसी। देखो इन ट्रायंगल ओपीक्यू, ध्यान से देखना मेरे बच्चे, इन ट्रायंगल ओपीक्यू अगर मैं OP को OQ से डिवाइड करूं, इन ट्रायंगल OPQ, तो क्या लिखूंगा? OP इज इक्वल टू R, OQ इज आल्सो इक्वल टू R, तो दिस विल बी इक्वल टू 1। हैं बेटा इशिका? यस। इन ट्रायंगल ABC अगर आप ABC, ये वाला ट्रायंगल देखें आप ABC, तो मेरे बेटे, मेरे प्यारे, मेरे बच्चे, मेरे लाल, अगर मैं AB को AC से डिवाइड करूं तो AB भी क्या है? V है, वैल्यू वाइज तो वी है, और एसी भी क्या है? वी है, तो ये वन लिख सकता हूं मैं। यस सर। है ना मेरे बच्चे, यहां से मेरे को एक बात समझ में आई कि ओपी अपॉन ओक्यू का रेशियो एबी अपॉन बीसी का रेशियो दोनों वन है। यस सर। ठीक है, इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ओपी क्यू, इसमें दो साइड का रेशियो, और ये जो ट्रायंगल है एबीसी, इसमें दो साइड का रेशियो इक्वल है। ठीक है, और आपको ये भी दिख रहा है कि ये जो एंगल है, एंगल क्यू ओ पी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, ये दोनों एंगल थीटा है, तो आपको दो साइड्स के रेशियो भी दिख रहे हैं कि इक्वल हैं, और इसके एंगल्स भी दिख रहे हैं कि सेम है, थीटा है। समझ आ रही है बात?
मुझे एक बात बताओ कि अगर ऐसा हो कि साइड का रेशियो इक्वल हो जाए और एंगल भी इक्वल आ रहा हो, तो ऐसे दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर ट्रायंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास टेंथ में पढ़ाया जाता yes, sir, सिमिलर ट्रायंगल्स, है ना। अगर आपको थोड़ा सा भी याद है, इसका मतलब ट्रायंगल ओ पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर, सिमिलैरिटी है इसमें। ठीक है, क्या सिमिलैरिटी है? कि इसके दो साइड का रेशियो इसके दो साइड के रेशियो के बराबर है। ऑल्दो उसकी वैल्यूज इक्वल नहीं है, भाई आर की वैल्यू और वी की वैल्यू सेम तो नहीं है, बट इनका रेशियो इक्वल है। तो ऐसे दो ट्रायंगल जिसमें साइड्स का रेशियो सेम हो जाए और एंगल सेम हो जाए, तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कहते हैं। एक ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि जहां पर सारी वैल्यू सेम हो। मतलब अगर दो ट्रायंगल में लूं, ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है, इसमें सारी लेंथ एक दूसरे से इक्वल आए, एंगल्स एक दूसरे से इक्वल आए, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। बट सिमिलर का मतलब होता है कि सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है भाई? इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है, ये सिमिलैरिटी। समझ में आई बात? दे आर नॉट इक्वल बट सिमिलैरिटी। अरे समझ में आई बात? जैसे फॉर एग्जांपल इशिका एंड विभूति दोनों सिमिलर है। कैसे? इन द सेंस बोथ आर इन क्लास 11th, तो ये सिमिलैरिटी है। बट क्या इशिका और विभूति बिल्कुल एक ही है? क्या उनके सारे मतलब सब कुछ एक ही जैसा है? नहीं, बट सिमिलैरिटी है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। बेटे यहां तक नोट करो और मैं बस यहीं तक कराऊंगा, आगे का डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। यहां तक आप नोट करो, यहां तक पढ़ के रखना, तो आगे के डेरिवेशन पे बात होगी। ठीक है बेटा, यहां तक नोट कर लो, यहां तक का डेरिवेशन अच्छे से करना, यहां तक पढ़ के रखना मैंने क्या क्या सिखाया है। ठीक है, एंड इफ यू हैव बुक गो थ्रू दैट बुक, उसमें ये टॉपिक देखना सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, उसको एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश करना। उसके बाद हम कल इसको जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें हम इसको फर्दर ड्राइव करेंगे। क्लियर है? तो आज इतना नोट कर लीजिए। थैंक यू, वेलकम। ओके, तो मैं एंड कर रहा हूं। थैंक यू सर।